नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ टोपी डोसा। डोसा बनाने के लिए हम लेंगे उसना चावल 3 कटोरी, इस कटोरी के नाप से हमने लिया है, और उड़द दाल 1 कटोरी। इनको हम धो के भिगा देंगे और उसमें फिर हम ऐड करेंगे मेथी का दाना 1 चम्मच। ये मेथी दाना है, 1 चम्मच मेथी दाना हम उड़द दाल में डाल के भिगो देंगे और हम इसको 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। दाल हमने और चावल भिगो के रखा हुआ है इस तरह, 8 घंटे हो गए हैं और चावल देखिए इस तरह फूल गया है और दाल भी हमने भिगो के रखी हुई है, ये इस तरह देखिए दाल फूल गई है और इसमें जो मेथी दाना है देखिए वो भी अच्छे से फूल गया है। अब हम इनको पीस लेंगे, एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पहले हम उड़द की दाल को पीसेंगे, मिक्सी में डालेंगे, फिर हम चावल को डालेंगे, क्योंकि उड़द की दाल बहुत अच्छे से चिपक जाती है, नहीं निकलती है। चावल डालने से दाल अच्छे से निकल जाएगी मिक्सी से। तो पहले हम उड़द की दाल पीसेंगे, फिर हम चावल को पीसेंगे। उड़द दाल और चावल हमने एकदम बारीक पीस ली है। देखिए उड़द दाल है येल्लो और ये बीच में चावल है। इनका टेक्सचर देखने के लिए इसको ऐसे हमने हाथ में उठाया है और इसको इस तरह से रगड़ के देखिए कि एकदम स्मूथ पेस्ट है, उसमें बिल्कुल भी दाना नहीं है। दाल का भी ऐसे ही है। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे नमक, 1 चम्मच के करीब नमक है, इसको हम ऐड कर लेंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, फेंट लेंगे यानी। आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको 8 घंटे के लिए फिर से छोड़ देंगे ताकि ये मिक्स होके अच्छे से फूल जाए, आटा ऐसे फूल के ऊपर आ जाएगा। डोसे का बैटर देखते हैं, 8 घंटे ओवरनाइट रखने के बाद देखिए एकदम फूल गया है, खूब अच्छे से बैटर तैयार हो गया है डोसा बनाने के लिए। हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए कैसे जाली आ गई है, खूब अच्छे से बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब हम पहले तैयारी कर लेंगे डोसे का मसाला बनाने की, तब तक इसको रख लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे मसाला। डोसा बना रहे हैं तो हम आलू का मसाला तैयार कर लेंगे। इसमें हम पहले डालेंगे कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे राई, सरसों, और हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हमारे घर में ही लगा हुआ है, घर पेड़ है उसमें। और हम ऐड करेंगे एक कटा हुआ प्याज, अब इसको हम थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन होने तक या सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा भूंज लेंगे। प्याज हल्का सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू। आलू हमने ये उबाल के छील के रखे हुए हैं, इनको हम ऐसे हाथ से मैश करते हुए डाल देंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वादानुसार, इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ। और हम इसमें ऐड करेंगे बाकी मसाले। इसमें धनिया पाउडर नहीं डलता है, हम डालेंगे इसमें हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, बाकी हम हरी मिर्च ऐड करेंगे क्योंकि इसमें आप मिर्च चाहें तो कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, तीखा चाहें तो और ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो सांभर और चटनी तो रहते ही हैं चटपटे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, 1 मिर्च मैंने है काट के रखी हुई है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। हम इसको अच्छे से मिला लेंगे इस तरह।
ताकि मसाला और प्याज अच्छे से मैश मिक्स हो जाएं। इस तरह मसाला तैयार हो गया है डोसे में भरने के लिए। चलिए अब डोसे की तैयारी करते हैं। तवा गरम हो गया है, उस पर हम बैटर इस तरह डाल देंगे। ये इस प्रोसेस हम मध्यम आंच पे ही करेंगे और डोसा एक ही डायरेक्शन में हम इस तरह घुमाएंगे। देखिए कितनी सुंदर जाली आ रही है, डोसा खूब अच्छे से फैल रहा है। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। डोसा देखिए पक गया है। अब हम चाकू की सहायता से इसमें इस तरह से कट लगाएंगे और डोसे के उस पोर्शन को उठा के और अच्छे से चिपका देंगे। डोसा पक गया है, अब इसको पलटा देंगे। काफ़ी आराम से करना है। देखिए टोपी बनके तैयार हो गई। अब इस टोपी के नीचे मसाला रख के और हम सर्व करेंगे। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, कृपया कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप भी टोपी डोसा बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा इस प्रकार का डोसा। धन्यवाद।